हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अर्चना पटेल अपने यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। आज का टॉपिक है मासिक धर्म के ऊपर। जो मैच्योरेशन जो साइकिल होता है वो होता है 28 दिन का। अब बात करते हैं कि जो कई फीमेल्स होती हैं जिनको जो मैच्योरेशन जो साइकिल है, मतलब जो मैंसेस हैं, वो सही तरीके से नहीं आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि अभी किसी पेशेंट को मैंसेस आया इस मंथ में, और इस मतलब जो डेट है उसकी, फिर उसके डेट के 20 दिन के बाद फिर आ गया। 20 दिन के बाद फिर क्या हुआ, आया, फिर स्टॉप होने के बाद 40 दिन के बाद आया। तो मतलब ये सही तरीके से नहीं आया है ना। 28 दिन का जो सर्कल है वो 28 दिन का सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ। कभी जल्दी आया, कभी बहुत ही लेट आया। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इरेगुलर मैंसेस बोलते हैं। जनरली जो मैंसेस होता है वो 4 से 5 दिन का होता है, मतलब 4 से 5 दिन के अंदर आता है और ख़त्म हो जाता है। जब मैंसेस आना स्टार्ट होता है वो एज होती है 12 से 15 साल की एज होती है, इस बीच मैंसेस आता है। जो कई फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको शुरू से ही इरेगुलर मैंसेस, मतलब सही से मैंसेस नहीं आते हैं। जब इरेगुलर मैंसेस आते हैं तो वो जो सिम्टम्स हैं जो फीमेल्स को आना स्टार्ट होते हैं, तो वो दिखने लगते हैं कि फीमेल्स को जो गर्भाशय है उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। पेन होने के साथ साथ क्या होता है कि जब भी मैंसेस आता है उसको, तो वो सही तरीके से नहीं आता है। जिस तरह भी मैंने बताया कि कभी जल्दी आ गया, कभी जल्दी आने के बाद क्या हुआ कि 2 महीने के बाद आया, फिर क्या हुआ 2 महीने के बाद आया, फिर वो 3 महीने के बाद आया, फिर 3 महीने के बाद क्या हुआ कि फिर 3 महीने के बाद जब आया फिर 20 दिन के अंदर आ गया। मतलब जो मैंसेस है सही तरीके से नहीं आया, कभी जल्दी आया, कभी लेट आया। इस कंडीशन में जो फीमेल्स होती हैं इसको इरेगुलर मैंसेस बोलते हैं। अब इसी दौरान क्या होता है कि जब भी मैंसेस आता है तो क्या होता है कि जो फीमेल्स को मैंसेस आया ये सर्कुलेशन के बाद, मतलब जो सही तरीके से मैंसेस नहीं आ रहा है, इस बीच मैंसेस जब भी आता है क्या होता है कि जो मैंसेस होता है इसका जो डे होता है, नॉर्मल जो डे होता है 4 से 5 दिन का होता है। लेकिन जो इरेगुलर जो फीमेल्स को मैंसेस आता है तो इनका जो डे होता है बहुत ही कम डे का होता है, मतलब 4 से 5 दिन नहीं होता है, इनको बहुत कम डे होता है। और साथ में क्या होता है कि जब भी इनको मैंसेस आता है तो इनका जो इनको गर्भाशय में बहुत ही तेज़ दर्द होता है। दर्द के साथ क्या होता है कि इनको बहुत ही मोटा ब्लड आता है, बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही थिक ब्लड आता है कुछ टाइम के लिए, फिर बंद हो जाता है, फिर चालू होता है। जब चालू होता है तो क्या होता है, इसमें इनको बहुत ही ब्लड के थक्के कहना चाहिए, इनको बहुत ही ब्लड के थक्के मतलब आते हैं मैंसेस के दौरान। तो बहुत ही बहुत ही तेज़ इनको क्या होता है कि बहुत तेज़ दर्द होता है। तो इस कंडीशन में दर्द होता है, इस कंडीशन में और क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं, इस कंडीशन में और क्या होता है कि जो ये फीमेल्स होती हैं इनको प्यास नहीं लगती है। प्यास ना लगने के कारण इनकी जो जीभ है बिल्कुल एकदम सूख जाती है। इनको पेट में, जो फीमेल्स होती हैं इनको पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है, बहुत ही तेज़ पेट में दर्द होता है। और साथ में क्या होता है, जैसा जैसा मौसम चेंज होता है उस अकॉर्डिंग इनका जो दर्द है बढ़ता जाता है। और साथ में क्या होता है कि कई जो फीमेल्स होती हैं उनका मैंसेस के दौरान, जिनका इरेगुलर मैंसेस होता है, इस कंडीशन में कई फीमेल्स होती हैं इनको वॉमिटिंग आती है, इनको जी मिचलाता है ना। इस कंडीशन, ये जो सारे सिम्टम्स हैं मैंने बताया, ये सारे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो पल्सिटुल्ला जो मेडिसिन है वो दी जाती है। अब हम बात करते हैं जो ये मेडिसिन है के मतलब कैसे देना है। तो इसको दोस्तों मतलब 3 बार देना है, मॉर्निंग में देना है, आफ्टरनून में देना है और नाइट में देना है। इसको 2 बूंद देना है टंग में डायरेक्ट। जब भी आप ये मेडिसिन देंगे तो क्या करना है कि खाली पेट देना। अगर कुछ खा लिया है तो आधे घंटे के गैप के बाद देना, मतलब अभी कुछ खाया है तो आधे घंटे रुकिए, उसके बाद 2 बूंदी दीजिए मेडिसिन, फिर आधे घंटे तक जो पेशेंट है मतलब फीमेल्स है वो कुछ ना खाएं। तो ये दिन में 3 बार देना है ये मेडिसिन, बहुत अच्छा वर्क करेगी। जो फीमेल्स को ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाएगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि और लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। थैंक यू।